मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राजनीतिक निहितार्थ अगर राष्ट्रव्यापी कोई इसका देख रहे या बिहार के संदर्भ में देख रहे तो वो मुगालते में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी पहल माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता रहे हैं जिन्होंने यह कहा कि तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बकवास की बात है, कांग्रेस के बगैर विपक्षी एकता की बात की नहीं जा सकती है। इसलिए इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, संगठन विस्तार के लिए हर एक राजनीतिक दल को अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ने का। मध्य प्रदेश को लेकर जदयू के इस फैसले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि हमारा गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है। इस गठबंधन को बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किया है। अब जदयू ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो इस फैसले पर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही कुछ बता पाएंगे। और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बना है जो सभी गैर भाजपा दल एक प्लेटफॉर्म पे आके भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए, नरेंद्र मुक्त भारत बनाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना है, जिसका बड़ा सूत्रधार श्री नीतीश कुमार जी रहे। दूसरी ओर राजद ने भी कहा कि हर क्षेत्रीय दल पार्टी विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ता है। जदयू ने भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, ये पार्टी का निर्णय है। जदयू के प्रवक्ता राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन 2024 के लिए बना है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। इंडिया गठबंधन 2024 को लेकर जो बना है वो अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है। राज्यों के अंदर में कहीं कहीं चुनाव जो हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट पॉलिटिकल पार्टियां अगर कर रही है तो इसमें सैद्धांतिक सहमति का जो बार बार लोग बता रहे हैं तो एक बात तो जाननी चाहिए कि 2024 को लेकर ये बनी है गठबंधन। राज्यों में तो लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ते ही हैं, लेकिन 2024 से पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा सब लोग एक मंच पर एक साथ आएंगे। मध्य प्रदेश में जदयू के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जदयू ने अपने 5 उम्मीदवार खड़े करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और राजद को औकात दिखा दी। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में अपना 5 उम्मीदवार खड़ा करेगा विधानसभा चुनाव में। उधर अखिलेश सिंह यादव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए हैं। इधर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा कि विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रीय दल अलग अलग तरह से अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को जिस तरह से कांग्रेस इग्नोर कर रहा था, आज माननीय मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और लालू यादव जी को अपना औकात दिखाने में सफल हुए। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें।